हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत। और ये है वो सामान जो मैंने ऑर्डर दिया था। ये देखो, ये मैंने पपाया जल मंगाए थे 6, तो पपाया जल हमारे आ चुके हैं। और ये मैंने ब्लीच मंगाई थी 12, ये ऑक्सी ब्लीच का ऑर्डर दिया था मैंने 12, और ये 6 पीस आए हैं। और ये मैंने डायमंड ब्लीच मंगाई थी 12, इसके भी 6 पीस आए हैं। और मैंने फ्रूट फेशियल मंगाया था मिक्स फ्रूट, वो नहीं आया। ऐसे काम करते हैं ये भैया, क्योंकि उस दिन वो इतने खुश थे, क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे थे तो वो इतने ज़्यादा खुश थे, तो खुशी खुशी के चक्कर में उन्होंने मेरा माल आधा कर दिया। और मुझे फ्रूट फेशियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो तो आया ही नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब उनको फ़ोन करूँगी तो एक हफ्ते में आएगा वो ऑर्डर, तो मेरे पार्लर में सिर्फ दो लोगों के हो जाएगा, बस वही फेशियल है। किट ख़त्म हो चुकी है पूरी, तो अब मैं क्या करूँ। देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ उनको फ़ोन करने की, अगर वो अर्जेंट मेरे यहाँ पहुँचाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और मैंने सारा घर का मैंने शॉप का पूरा काम कर लिया, झाड़ू डस्टिंग, और मैंने पोचा भी लगा लिया, और अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई। ये सामान आया था, ये मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आगे बताऊंगी कि मैं क्या क्या करूंगी, आप देखना। अब हमारा हो गया सारा काम, जो सामान आया था नेचुरल्स कंपनी का वो मैंने लगा दिया उस दूसरी वाली शॉप में। फिर मेरी बोनी हुई, क्योंकि सुबह सुबह दुकान खोलते के साथ ही बोनी नहीं होती है ना, कभी कभी हो जाती, कभी कभी नहीं होती। तो वो लोग, एक भैया आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि, मैंने बोला हाँ भैया, तो बोले लो बात करो फ़ोन पे। तो मैंने बोला, मैं मन में सोची मैं क्या बात करूँ, भाई कौन है। फिर मैंने उनका फ़ोन ले लिया, मैंने बोला हेलो, तो उसने बोला दीदी नमस्ते। तो उसने मुझे ये बोला दीदी नमस्ते, तो मैं पहचान गई ये मेरा कोई, मेरी कोई क्लाइंट होगी, मेरी कोई ग्राहक होगी। तो मैंने बोला कौन, तो कहती है कि मैं आपके पार्लर में आती हूँ काम कराने, और मेरे को अंडर गारमेंट चाहिए था तो मैं आ नहीं पाई हूँ, और मेरे हस्बैंड है ये, आप इनको दे दो जो मैं साइज़ बताऊँगी। उन्होंने मुझे अपना साइज़ बताया, मैंने उनको दे दिया। फिर वो भैया दो ब्रा और दो पैंटी लेके चले गए वो। फिर उसके बाद में उन्होंने पेटीएम किया, कैश किया नहीं उन्होंने, गूगल पे या पेटीएम ऐसे कुछ कर दिया, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद में मैंने पूरा दुकान में जो ब्रा मैंने जो दिखाई थी, सारे डब्बे वब्बे सब जो मैंने खोला था, पैकिंग जो मैंने खोली वो मैंने वापस ड्रॉर में रख दी। उसके बाद में मैं यहाँ आई, मैंने अपना हुलिया ठीक करा, और फिर अब मैं बैठी हूँ, अब मैं आपको बता रही हूँ ये सब बातें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इस तरीके का ना, अगर जेंट्स लोग हेल्प करते तो कितना अच्छा लगता है यार। मतलब अगर मान लो हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे हस्बैंड को ये सामान लेने जाते हैं तो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, क्योंकि सारा ही काम लेडीज़ के लिए सही नहीं होता ना, सब कुछ हम ही करेंगे। हमें घर देखना है, हमें बाहर देखना है, हमें बच्चों को लेके आना, बच्चों को हमें छोड़ के लेकर आना है और छोड़ के आना है, तो ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो इंसान ये हो जाता है, परेशान हो जाता है। अगर इस तरीके के हस्बैंड हो यार, इसका हस्बैंड देखो भैया आए इतनी तमीज़ से और लेके चले गए, कितना अच्छा लगा मुझे। मेरे हस्बैंड तो कभी कोई चीज़ नहीं लेकर आते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे भैया को देख के बहुत अच्छा लगा। ये मैंने आपको बताया, अब कोई भी आएगा या कोई भी बात होगी तो मैं आपसे बात शेयर करूँगी, तो आप सुनना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने। जब मैंने फर्स्ट अपना ब्लॉग बनाया था तब मैंने देखा कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपनी फीलिंग सारी बताई, और अब भी मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपसे बात करना, तो आप बने रहना मेरी वीडियो में। अब हम खाएंगे खाना, ये हम मूवी देख रहे हैं। ओम शांत, ओम जय जगदीशी हारे। अब मैं इसको कर रही हूँ बंद, अभी मेरी बेटी आई है खाना लेके, अब मैं खाएंगे अब हम खाएंगे खाना। और ये लाई है मिल्क, पहले हम पियेंगे ये। किसके लाई है ये? मेरे लाई है। अच्छा, खाना कब खाएंगे, ये पिलाएगी तो मुझे। बहुत टेस्टी है यार ये तो।
ये हमने बनाई थी अरबी की सब्जी, सुबह में मैंने अरबी की सब्जी बनाई थी। और ये है रोटी, रोटी आज जल गई मुझसे क्योंकि बहुत जल्दबाजी में थी तो मुझसे रोटी जल गई। और क्या क्या देखा ये तू बना के अभी, और ये लाई है सैंडविच बना के, इसने ये आधा खाया और आधा मुझे पकड़ाया देखो। और ये किसी का झूठा नहीं खाती, अभी मैं एक वाइट लेके इसको दे दूंगी तो ये नहीं खाएगी, लेकिन ये है कि अपना खिला देती है सबको झूठा, लेकिन ना ये पानी झूठा पीती है ना ये खाना झूठा खाती है, यहाँ तक कि ये अपना टावल भी शेयर नहीं करती है, अपना चद्दर में भी नहीं किसी को घुसने देती है ये लड़की। और ये देखो इसने मैंने मांगा है तो इसने मुझे आधा खा के दिया है। हाइजीन लेवल हाई है, आपका हाइजीन लेवल हाई है और बाकी सब बेवकूफ बैठे हैं जो आपका झूठा झूठा खाएंगे, है ना। अब हम खाएंगे ये सैंडविच और ये खाना, और हाँ पहले हम खाना खा लेते हैं फिर बात करेंगे बाद में। ये टाइमिंग हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 2:20 हो गए, भूख लग रही है। अगर कोई ग्राहक या कोई कस्टमर आ गया तो फिर मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, तो इसीलिए मैं जल्दी 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 खाना खा लेती हूँ फिर हम बातें करेंगे। अब हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में मैंने हाथ धोया, जब तक मेरी बराबर वाली शॉप में एक भैया और एक जेंट्स और एक लेडीज आ गई, तो भैया बाहर खड़े हो गए और वो जो लेडीज थी उसको मैंने बोला हाँ भाभी बोलो, तो उसने बोला कि मुझे एक अंडरगारमेंट वो ब्रा दे दो, तो मैंने उनको ब्रा दे दिया, उनको बहुत पसंद आई। तो जब उनको पसंद आ गई तो मैंने बोला ये पसंद आ गई आपको, तो उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने अपना साइज़ वाइज बताया, मैंने उनको दे दिया। देने के बाद में उन्होंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दिया कि ज़रा पैसे दे देना, तो भैया आए, भैया ने बोला कि कितने की है ये, तो मैंने उनको रेंज बताया 250 के लमसम थी, 250 की थी वो, तो मैंने उनको बोला 250, तो वो भैया बोले हैं, मतलब उनकी आंखें ऐसे फटी रह गई और उन्होंने बोला 250। फिर मैंने बोला मैंने क्या हुआ, ज़्यादा रेंज है क्या भैया, उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 250 की 250 रुपए की तो ये लेडीज़ नहीं है, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बोला ये लेडीज़ नहीं है इतने की। तो मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर, क्योंकि मुझे इतना बुरा लगा ना कि मतलब वो भैया कैसे कह सकते हैं कि ये लेडीज 250 रुपए की नहीं है। मेरे को बड़ी खुंदक आई, तो मैंने काउंटर से 500 रुपए निकाल कर उन भैया के सामने रख दिया, मैंने बोला भैया ये 500 रुपए हैं, तो भैया बोलने लगे ये किस चीज़ के हैं, मैंने बोला आप ऐसा करो, आपने बोला ना 250 रुपए की ये लेडीज़ नहीं है, तो आप 250 रुपये इस लेडीज़ को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसको खरीद लिया मैंने इसको, मैंने आपको 500 रुपए दे दिए, आप 500 रुपए लेके चले जाओ, 250 रुपए की है ये, मैंने 500 दे दिए, डबल में खरीद लिया मैंने। वो भैया ये बात सुनकर मेरी चले गए, और वो जो लेडीज़ थी वो मेरे से बोलने लगी, भाभी थी जो, वो मेरे से बोलने लगी नहीं यार वो दीदी आप नाराज हो गए, ये तो मुझसे ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे अच्छी बात नहीं है कि वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं भैया, मतलब आप उनको समझाओ घर जाके, क्या ये इतना मतलब इस तरीके के इंसान कैसे बोल सकता है। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि लेडीज़ की क्या, जेंट्स क्या इतना ही जज कर सकता है लेडीज़ को, तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती है, मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बात जो अभी अभी मेरे पीछे वाली दुकान में हुई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर वो भैया चले गए, वाइफ भी उनकी चली गई, बट मुझे बहुत बुरा लगा। तो इस तरीके का नहीं करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में एक भैया आए थे, कितने अच्छे थे, वो अपनी वाइफ के लिए खरीद के लेके गए थे, वो मैंने आपको बताया पहले, और अब ये देखो। तो वो ये यार ये पांच उंगली बराबर नहीं होती ना हमारी, भगवान ने हमें पांच उंगली बराबर नहीं बनाई है, तो इंसान भी इस तरीके के नहीं बनाए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये है कि अब इंसान को समझना चाहिए, पढ़े लिखे होने के बाद में भी आप ऐसी बातें कर सकते हो। तो ये थी मेरी बात जो मैंने आपसे बात की, अब हम देखते हैं आगे क्या होगा और कौन आएगा और किससे मैं बात करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। अब 8:20 हो गए हैं, अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, आज इतना ज़्यादा काम भी नहीं था शॉप पे, और बस मन भी नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, एक भैया है यहाँ पर, लकड़ी वाले की शॉप है, वो पूरा दिन
मशीन चलाते रहते हैं और उसकी इतनी आवाज आती है, आपने देखा मेरी वीडियो में हमेशा खट खट कुट कुट पट पट पता नहीं क्या क्या आवाज आती रहती है, तो वो लोग बनाते रहते हैं बेड वेड, तो इनकी शॉप है। सर दर्द कर देते हैं सुबह से लेके शाम तक, बहुत बार तो मैं जा के बोल कर आती हूँ भैया धीरे से कील ठोक लो धीरे से कील ठोक लो, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं सुनते। क्या करूँ मैं, क्या कर सकते हैं हम लोग जाके कह ही सकते हैं। अब हम निकलेंगे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अभी पूरी दुकान फैली हुई है, देखो अभी ये सारा दुकान का सामान पूरा अब हम लगाएंगे, सेट करेंगे वापस, फिर हम निकलेंगे, फिर हम घर जाएंगे, घर जाके खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। और मार्टिन, मेरे मार्टिन की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मार्टिन से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा मन होता है मैं मार्टिन को शॉप पे ले आऊँ, लेकिन मार्टिन को अगर मैं शॉप पे ले आऊँगी तो कोई शॉप के अंदर दुकान के अंदर कोई आएगा नहीं, इसीलिए मुझे मार्टिन को मैं नहीं लेके आ सकती, क्योंकि मार्टिन है ना बहुत ज़्यादा भौंकता है, वो भौं भौं करेगा तो सब लोग भाग जाएंगे, क्या करें, इसीलिए हम मार्टिन को नहीं लेके आ सकते यहाँ पर। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से 9 बजे और फिर हम बताएंगे कि हम, अब हमारे बज गए 9, अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी बेटे के पास फ़ोन किया था, बेटा मना कर रहा है कि मम्मी मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, वो कहीं गया है, तो अब हमें ही निकलना पड़ेगा। तो हम पकड़ेंगे अब ई रिक्शा, क्योंकि घर दूर है, 15 मिनट का रास्ता है घर का पहुँचने में, तो हम यहाँ से ई रिक्शा करेंगे। और अभी हम यहाँ से पहले सामान पूरा समेटेंगे और फिर निकलेंगे। महक आओ बेटा, समेटो। अब हम लोग जल्दी जल्दी सामान समेटेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अब हमने पूरा समेट लिया, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।